इस समय बुलंदशहर से एक ताजा खबर सामने आ रही है। कोतवाली देहात क्षेत्र के NH91 हाईवे पर रस्सी व्यापारी से हुई 2,07,000 रुपए की लूट का पुलिस ने किया है खुलासा। पुलिस के खुलासे से फर्जी निकला लूट। व्यापारी पर लाखों रुपए का कर्जा होने के कारण झूठा मुकदमा लिखाकर 2,07,000 रुपए गायब करना चाहता था व्यापारी। लूट की झूठी सूचना देकर अपने ही दोस्त को दे दिए थे व्यापारी ने रुपए। लूट का झूठा मुकदमा लिखाने पर वाले व्यापारी शहजाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली देहात क्षेत्र के NH91 हाईवे पर 10 फरवरी को दी की गई थी लूट की सूचना। हमारी खबर देखने के लिए हमारे चैनल वसीम शेफी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए इमरान खान की खास रिपोर्ट। दस तारीख को एक शहजाद नामक व्यक्ति जो क्या नाम है इसका रस्सी भेजने का काम करता है, उसका ये कहना था कि कासगंज से मैं पैसा लेकर के आया रस्सी बेचने का। उसमें 2,07,000 रुपए हमारे थे, 2,00,000 रुपए रस्सी से मिले थे और 7,000 रुपए उसके अपने खुद के थे। और उसके पैसे यहाँ पर वो बस बदलने के लिए, क्योंकि बस जो जिसमें बस में बैठा हुआ था उसका ये कहना था कि वो जा रही थी गाजियाबाद की तरफ, मुझे मेरठ की तरफ जाना था, तो बस बदलने के लिए उतरा था। वहाँ पर उसके पैसे छीन लिए गए। इस सूचना पर थाने की फोर्स, SOG की टीम और हम लोग भी सारे मौके पर पहुंचे थे। और वहाँ पर जब छानबीन की गई तो कुछ संदेह तो हो रहा था, क्योंकि लेकिन जब उसने बताया था तो उसकी छानबीन भी करनी आवश्यक थी। उसने एक गाड़ी का नाम भी बताया, उस गाड़ी को भी ट्रेस किया गया। तमाम गाड़ियाँ उसमें चेक कराई गई अलीगढ़ से लेकर के यहाँ तक की। लाल रंग की गाड़ी बताया था उसने, कोई नंबर भी दिया था। अंततः जब कोई चीज़ नहीं ट्रेस हो पाई तो जब पूछताछ इससे कड़ाई से की गई तो इसने स्वीकार किया कि इसके ऊपर कुछ कर्ज हो गए थे। 5-6 लाख रुपए का इसका कुछ टैक्स वगैरह का भी पड़ गया था और कुछ कर्जे भी हो गए। इसी संदर्भ में इसने उस चीज़ को उससे बचने के लिए एक घटना गढ़ी थी और एक आदमी को बुला करके उस पैसे के बैग को दे दिया था वापस। और इसने अपने उसके स्वीकार कर लिया है कि पैसा, इसका पैसा भी जितना था वो पैसा भी उसने ला के दे दिया है। इस प्रकार से एक घटना फर्जी घटना थी और एक सनसनी गेट की घटना मेन रोड की बताई गई थी इसके द्वारा, जिसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया। फिलहाल तो जो इनमें क्या नाम है झूठी सूचना दिया है उसके भी कार्रवाई की जाएगी। आप प्लेसिंग के खिलाफ और निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।